हेलो प्यारे बच्चों, कैपेसिटर टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये कोई सिलेबस से लिंक टॉपिक नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे आज, मैकेनिकल डिवाइस से अपने कैपेसिटर को ना कंपेयर कर देना है बस, ताकि आगे कभी आप पढ़ो तो प्रॉपरली टॉपिक को ना कनेक्ट कर पाओ कि चार्ज जा रहा होगा तो कैपेसिटी पोटेंशियल में कैसे वेरिएशन अपन देखेंगे। ठीक है, मार्केट जाकर अपन एक कंटेनर ले आते हैं और ट्वेल्थ में आओगे तो ये तो एनसीईआरटी वाले दे ही देंगे आपको। ठीक है, एक कंटेनर के पास कुछ कैपेसिटी होती है, बोलता है सामान बेचने वाला पहले अपन को, तो कैपेसिटी मैं यहाँ पर कांस्टेंट कह देता हूँ और आप लोग इसके बारे में पढ़कर आए हो। कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों? ए लिखा, एप्सिलॉन लिखा और क्या लिखा? डी। ए और डी तो इसके डायमेंशन हो गए, ठीक है, वो तो बदलने वाले नहीं है, और एप्सिलॉन का मतलब हो गया जो बीच में मीडियम पड़ा हुआ है। तो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि ये भी एग्जैक्ट कांस्टेंट ही है, चाहे ये चार्ज हो या चार्ज ना हो। आप बस देखो कि ये पानी यहाँ पे भरा हो नहीं भरा हो, कैपेसिटी थोड़ा ना बदल जाएगी। वही हाल इसका भी है बच्चों, ये बराबर नहीं है। बस मैंने ये कहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकी बीच में एनालॉगी बना करके देखो आप। बस कभी टैप में ले जाकर टैप के पानी से इसको भरना शुरू अगर अपन करें तो क्या कहोगे कि सर जितनी देर तक ये अपन पानी यहाँ पे भरने जाएंगे वैसे इसका लेवल ऐसे बढ़ने लग जाएगा। सोचो एक बार आप लोग बच्चों, ये जो पानी आ रहा है इसको अपन अमाउंट बोल सकते हैं, बेसिकली एक तरह से अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ मैटर कर देता हूँ कुछ देर के लिए मैं। ठीक है, उससे क्या डिसाइड हो रहा है बच्चों? इसका एक पोटेंशियल डिसाइड हो रहा है। ये कहानी सिंपल सी चल रही है अभी। यहाँ देखो आप, एक बैटरी लेकर आते हैं अपन, उस बैटरी में की का कनेक्शन कर देते हैं, की को क्लोज कर देते हैं, और इस तरह से आप देखोगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे अपीयर होने लग जाएगा बच्चों। क्यू और माइनस क्यू पे यहाँ पे आपको प्लस मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर माइनस। कंसेप्ट क्या है कि सर यहाँ वी पॉजिटिव और यहाँ वी नेगेटिव मिलने लग जाएगा। और बहुत बेसिक लेक्चर जब पढ़े थे हम लोगों ने तो किसी भी आर्बिट्री आइसोलेटेड कंडक्टर के साथ भी क्या होता है, चार्ज मैंने इसके पास रख दिया है तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल मिलेगा। मतलब पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर गया? अमाउंट ऑफ चार्ज पे बच्चों, अमाउंट ऑफ चार्ज। और उसी को कोई डेली लाइफ में लेमेन इंसान क्या बोलेगा, जितना मैं पानी भरूंगा उतना यहाँ पे वी बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ पर जो वी है इसका वाला पोटेंशियल बच्चों वो डिपेंड किस पे कर रहा है? ये अमाउंट ऑफ वॉटर। ठीक है, देखो अब हो रहा है रिलेटेबल। अब सोचो इतना ही पानी हो अपने पास, है ना? पानी का मतलब यहाँ पे मैं अगर कह दूं आपको कनेक्ट करके, तो जितना पानी भर रहे हैं उसको आप चार्ज बुला लो, ये हो गया आपका V, और कैपेसिटी को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। ठीक, और ऐसे इतने ही पानी को अगर अपन किसी छोटे से कैपेसिटर में ले जाकर भर देते हैं बच्चों तो क्या होगा, ये आपको ज्यादा हाइट पे भरा हुआ दिखाई देगा, उतना ही वाटर इसमें डिप कर देता हूं मैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, इसका जो पोटेंशियल है ना वो आपको ज्यादा दिखेगा बच्चों सेम चार्ज के लिए। तभी तो ये फॉर्मूला बनता है कि कैपेसिटी का फॉर्मूला आपके पास Q by V, अगर ये कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C is inversely proportional to V होगा। ये आगे बहुत जगह काम आएगा जब आप डायरेक्टली मैथमेटिक्स के रेशियो लगा के ना कैपेसिटी बांट दोगे अगर V दिया रहेगा आपको तो ध्यान रखो यहाँ पर अगर V कम आ रहा है इसका मतलब है ये बहुत बड़ा कंटेनर अपन बाजार में जाके लेकर आए हैं, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक, और अगर V गलती से आपके पास बड़ी वैल्यू का दे रहा है, ठीक है, तो वो कैपेसिटी ही छोटी बेचारे की। ठीक है ना, ये कंसेप्ट समझ के रखो। एक डब्बे को समझ लो, कंटेनर है हमारे पास, पानी वगैरह भर रहे हैं इसके अंदर, इसकी पोटेंशियल बढ़ना शुरू होता है और वही अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना इस कंसेप्ट में आ जाता है। ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं कहना है, बस आप लोगों को हिंट किया जा रहा है कि इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे अपन को पढ़ना है कि चार्जेस कैसे मिलते हैं जब दो लोगों को अपन कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको भी अपन को मैकेनिकल डिवाइस से पहले पढ़ना है, फिर अपन डेरिवेशंस करेंगे। अभी जो वॉल है ना ये बच्चों क्लोज मान के पढ़ो, मतलब ये कंटेनर वन हो गया और ये कंटेनर टू हो गया। कुछ कैपेसिटी इसकी होगी, बाजार में जाके पूछोगे तो इसकी भी कुछ होगी। कोई भी बता देगा कि यहाँ पर सी वन की वैल्यू कम होगी सी टू से, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बता रहा है। अब ऐसा मत समझ लेना कि सी वन अगर सी टू से छोटा है तो जो बड़ी वाली वैल्यू है उससे ही पानी जाएगा। बेटा ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ये इसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब बात समझो ना, मैं टैप को खोलता हूं तो वाटर यहां से यहां जाएगा और कब तक जाएगा? आप सोचो ना, इसका पोटेंशियल इक्वल होने तक ही जाएगा ना। बात समझ में आ रही है अली?
तो कभी ये नहीं कहना अपन को कि सर जिसका कैपेसिटी ज्यादा है ना वही छोटे वाले को देगा, ऐसा नहीं। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो देगा दूसरे वाले को, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटी में तो कोई चेंज आया नहीं है, चार्जेस थोड़े बट गए बच्चों, और पोटेंशियल बराबर होने तक। वैसे ये अगर ना समझाया हूं मैं और डायरेक्ट ये दे दूं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जो बड़ा कैपेसिटर है ना वो चार्जेस देता है इसको, ऐसा गलत है बच्चों, ये समझना रॉन्ग कंसेप्ट है। ये समझना क्या है, अगर यहाँ पे V1 लिखा है, यहाँ पे अगर V2 लिखा है, और यहाँ बोला है इफ V1 ग्रेटर देन V2 तो चार्ज बच्चों ये इसको देगा। बात समझ में आ रही है। अब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज ये डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं कि प्लस का चार्ज दे दिया। प्लस का चार्ज मतलब होता है चार्ज डेफिशिएंट है ये, ठीक है। तो आप बातें पहले ये क्लियर करो कि कब तक चार्ज जाएगा और कैसे जाएगा और किस पे डिपेंड करके जाएगा। तो एक ही बात पे डिपेंड करता है पोटेंशियल। और जब आप देख रहे हो यहाँ पे वी बराबर वी मतलब वी डैश आपका हो गया वी, ठीक है। और ये चीज जब तक सेम हो जाएगी तो चार्ज फ्लो यहाँ पर बंद हो जाएगा, चार्ज फ्लो स्टॉप्स, वो यहाँ पे हो रहा है। जब दोनों का लेवल बराबर आ गया तो चार्ज जाना बंद कर दिया, आप भले ही यहाँ पे टैप हटा दो। बात समझ में आ रही बच्चों इतनी सी। और इसके पास बाद में नया चार्ज हो जाएगा, उसका नाम क्या रहेगा Q1 डैश, इसके पास क्या रहेगा Q2 डैश, ठीक है। ऐसे दो फ्रेंड्स के बारे में समझ सकते हो कि उन्होंने मनी को एक्सचेंज किया है, ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। बट ये सबसे बेस्ट होता है समझना कि दो बकेट लेके आ गए अलग अलग साइज के और उससे इसको समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और बेसिकली चार्ज क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो बनता ही बनता है यहाँ पे। तो लिख सकते हो आप लोग क्यू ऑफ इनिशियल इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ फाइनल, और ये चीज प्यारे बच्चों एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पे देखोगे तो इनिशियल में क्या आ रहा है Q1 आया और साथ ही साथ क्या आया Q2, दोनों का मिला के चार्ज आ रहा है। मतलब दोनों कंटेनर का पानी ना जोड़ लो आप, और यहाँ पे पानी भगवान ने तो ला के रख नहीं दिया है, यही वाला होगा ना एक्सचेंज होने के बाद भी। तो ये बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और वो एक तरह का कांस्टेंट रहेगा। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना रीडिस्ट्रीब्यूशन का तो ध्यान रखना ये लाइन तो लगनी ही लगनी है, और इसको आगे जाके ना ये कैपिटल क्यू भी कहते हैं टीचर्स, ये याद रखें आप लोग बस। नेट इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू नेट फाइनल चार्ज, बस ये थोड़ा बहुत चेंज होगा। अब ये कितना होता है ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, और कब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ो। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर एक इनिशियल कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, इसके पास चार्ज Q1 है और यहाँ पर कितना है Q2, दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, और हर कंडक्टर के पास कैपेसिटी खुद की होती है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज दिए हुए हैं तो बच्चों खुद का पोटेंशियल भी आ जाएगा। एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लूंगा तो ये नहीं कहना है कि बड़ा वाला कैपेसिटी इसको चार्ज ट्रांसफर करेगा। कौन डिसाइड करेगा बच्चों V1 और V2, इसके पहले हमने मैकेनिकल वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ ये कि इससे इस पे चार्ज जाएगा इससे इस पे चार्ज जाएगा, वो डिसीजन पोटेंशियल लेते हैं ना कि इन लोगों के साइज और कैपेसिटी, ठीक। कब तक जाने वाला है चार्ज, दोनों का पोटेंशियल बराबर होने तक। और यहाँ आप देखो अलग अलग चार्ज आ चुके हैं और क्या चेंज नहीं होगा वो है इनकी कैपेसिटी। तो यहाँ पे आंसर अपन को पहले समझना है कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी होती है प्यारे बच्चों 4πε0 और R, या लिखता है टीचर R डिवाइड बाय K। इससे क्या सामने आ रहा है कि C प्रोपोर्शनल टू किसके होता है R के होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि ये पूरे को एक सिस्टम बना लो इनिशियल स्टेज में और चार्ज कंजर्वेशन लगा दो, तो आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हो कि सर चार्ज कंजर्वेशन भी यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो गया चार्ज कंजर्वेशन। वो कहता है टोटल चार्ज शुरू में रहने वाला बराबर होगा टोटल चार्ज बाद में। तो Q1 प्लस कितना लिखा है ये Q2, ठीक। और ये दोनों पे भी चार्ज एक्सचेंज होगा, लेकिन बाहर से चार्ज आ थोड़ा ना जाएगा बच्चों। तो हो जाएगा ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसको एक बड़ा वाला Q और नीचे यहाँ पे टोटल लिख लो आप लोग, और आ जाओ यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक कंसेप्ट सीखना है। आप लोगों को जानकारी होती है कि क्यू का फॉर्मूला CV होता है बच्चों। बाद में रहने वाले चार्ज को मैं अगर डैश बोलता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V डैश, और बेसिकली वो क्या है V तो है। और कब तक है दोनों में कांस्टेंट क्या है बच्चों, V का टर्म ही तो कांस्टेंट जा रहा है, और कब तक होगा चार्ज ट्रांसफर, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तो V यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि Q डैश डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी पे, ठीक है। जो जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी होगी ना वो ज्यादा चार्ज रख लेगा,
ठीक, जैसे हमारा लंच अगर अपन खोलें कभी क्लास में, जो फ्रेंड हमारा ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा ना, वो ज्यादा ज्यादा अमाउंट में खत्म कर जाएगा उसको। तो इसको देख के और इसको देख के अपन लिख सकते हैं कि जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा कैपेसिटी पे और वही डिपेंड कर जाएगा आर पे, विच मीन्स आंसर ऐसे बन सकता रिलेशन वाला Q1 - Q2 वो हो जाएगा C1 - C2 और वही चीज हो जाएगी बच्चों R1 / R2। ये एक टर्म आप हमेशा याद रखें, जब रिलेशन के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए तो जल्द से जल्द ये बनाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन टू वाला क्या कहता है, इन दोनों पे चार्ज दे देगा और बोलेगा बाद में क्या है चार्ज वो बताओ, ये सेकंड वाले पे कितना चार्ज है वो बताओ। तो Q1 डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इन दोनों इक्वेशंस को उठा लीजिए और डिविडेंड अप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर देता हूं मैं, Q1 डैश है नीचे आ जाएगा Q1 डैश प्लस बच्चों Q2 डैश, और अगर 1 पे पढ़ रहे हैं तो ऊपर 1 ही आएगा और यहां हो जाएगा C1 + C2। ठीक है ना, जरा सोचो बच्चों ये क्या है, एक लाइन ऊपर ही लिखा हुआ है तो बड़ा वाला क्यों है, तो आपका मतलब है कि Q1 डैश का मीनिंग हो गया C1 / C1 + C2 इनटू टोटल चार्ज, और यहीं पे टीचर्स सिमिलरली भी लिख देंगे और कहेंगे कि घर जाके इनके सेकंड को लेके लगा देना आप लोग कंपोनेंटो। तो यहां हो जाएगा आपका सीधा आंसर, Q2 डैश लिख रहा हूं मैं, 2 पढ़ूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा C1 + C2, मतलब टोटल जिस पे पढ़ रहे हैं वो लिख दो, नया टोटल लिख दो और यहां हो जाएगा टोटल चार्ज। तो ये प्यारे बच्चों अपने दो नए फॉर्मूले निकल के आ गए कि जब अपन को इंडिविजुअल चार्ज कितना बना है वो पूछा जाए तो इससे कर लेना अपन को आंसर, क्योंकि सी आर पर भी डिपेंड करता है। तो इसके दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, Q1 डैश को लिखना है अपन को अभी फिलहाल, ठीक है, तो सी की जगह पे अपन आर मेंशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा R1 / R1 + R2 और ये हो जाएगा क्यू। सिमिलरली हो जाएगा Q2 डैश के लिए सेकंड पढ़ रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा R2 / R1 + R2 और ये हो जाएगा Q। तो किसी किसी क्वेश्चन में रेडियस दे देगा तो इसको लगा लेना आप लोग, और किसी किसी प्रॉब्लम में कैपेसिटी देगा तो इसको लगा लेना आप लोग। ये चार के चार फॉर्मूले रीडिस्ट्रीब्यूशन में बताए जाते हैं। मेन कंसेप्ट क्या है कि कब तक ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, जब तक पोटेंशियल आपका कॉन्स्टेंट ना हो जाए, और ये लाइन भी याद रखी जाएगी हमेशा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन पे पूछी गई इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। कहता है दो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, मतलब कैपेसिटी की वैल्यू हो जाएगी 4πε0 और ये हो जाएगा r, दोनों के रेडियस दे दिए गए, दैट मींस ये टर्म हो जाएगा r1 का और ये टर्म किसका है बच्चों r2 का रेस्पेक्टिवली, और इन दोनों पे रखा हुआ चार्ज भी दे दिया है। तो ये टर्म है बच्चों हमारे पास q1 का और ये टर्म है हमारे पास q2 का, ठीक है ना, ये इनिशियल केस है। और फाइनली देखो क्या हो रहा है, दोनों पे सेम पोटेंशियल है और ये चीजें अलग अलग हो गई, ठीक है। तो कहता है फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड, मतलब आपको ये दोनों टर्म बतानी है और कॉमन पोटेंशियल भी बताना है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दोनों ने चार्ज बांट लिया होगा तो कितना पोटेंशियल है। तो पहले इसको फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं अपन, Q1 डैश बताना है Q2 डैश बताना है, तो जानकारी होती है अपन को Q1 डैश डिवाइड बाय Q2 डैश किसके बराबर होगा बच्चों C1 / C2 के, वो किसके बराबर होता है R1 / R2। मैंने कहा था आपको या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, तो आपको Q1 डैश डायरेक्टली भी मिल जाएगा बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है एक सीधा सीधा, फर्स्ट पे पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा R1 / R1 + R2, ठीक है ना बच्चों, और ये टर्म आ जाएगी टोटल चार्ज की, और साइड में अपन टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक, कहीं भगवान जी लाके चार्ज तो रख नहीं देंगे, यहाँ पे जो है वही रहने वाला है। तो ये इनिशियल हो दोनों का मिला के कर लो इनिशियल, तो हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम माइनस ऑफ 3 माइक्रोकूलम विच गिव्स 9 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, वो यहाँ रखने वाले हैं अपन। सिमिलरली बच्चों सेकेंड के लिए पढ़ लेते हैं, ये हो जाएगा R2 / R1 + R2, बस फॉर्मूले याद रख के आंसर बहुत इजीली मिल जाते हैं, इसके टॉपिक ही बहुत आसान है। R1 मतलब ये हो गया बच्चों अपना, तो आ रहा है आंसर अपना 5 / 5 + 10 डेट विल बी 15 और सेंटीमीटर तो कट जाएंगे यहाँ पे, और आंसर हो गया ये 9 माइक्रोकूलम, ठीक। यहाँ कर लो आप लोग, ये हो जाएगा 10 / 15 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम, इनको सीधा सॉल्व कर लो आप लोग, तो ये हो जाएगा बच्चों इसके 3 से और यहाँ आ जाएगा आपका 3 माइक्रोकूलम, और ये इससे हटा के भी लिख सकते थे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 माइक्रोकूलम्स।
दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पहुंच ही रहे हो आप लोग। तो ये बेसिकली क्या है, पहले पे रहने वाला बाद में चार्ज, और ये है दूसरे पे रहने वाला बाद में चार्ज, कॉमन पोटेंशियल। तो बी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। कॉमन पोटेंशियल का मीनिंग सीधा सीधा बनता है, ये वी बताना है बच्चों आपको, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वी का मतलब होता है बेसिकली फॉर्मूला क्यू डिवाइड बाय सी, तो कॉमन का मतलब है पूरी दुनिया जहान का जोड़ दो, यहाँ लिखा टोटल और यहाँ भी लिखा टोटल। मेरे कहने का मतलब है ये हो जाएगा सी वन प्लस सी टू और ये हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू। ये तो बच्चों 9 माइक्रोकूलम है तो 10^-6 आ गया, वो कूलम भी लिख देते हैं। सी वन सी टू कितना होगा जरा सोचो आप लोग, ये हो जाएगा 4π ε0, समझ में आ रही बात बच्चों ये, और अंदर आ जाएगा R1 + R2। सॉल्व कर लीजिए, 1/4π ε0 कितना होता है, ये होता है 9 × 10^9 मल्टीप्लाई बाय 9 × 10^-6 होल डिवाइड बाय इन दोनों का रेडियस। तो कितना है 5 और कितना है 10, तो ये हो जाएगा 15। सेंटीमीटर को लेके जाओगे मीटर में तो कितना हो जाएगा -2, और फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये हो रहा है 3, ये हो रहा है अपना 5 45, और यहाँ पे मिल जाएगा अपन को 5.4 × 10^6 वोल्ट्स। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे तो यहां तक अपन पहुंच जाएंगे बड़े ही आसानी से। आइए आगे बढ़ते हैं।